1947 में भारत की आज़ादी के लगभग 2.5 साल बाद यानी जनवरी 1950 में ब्रिटिश काल में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाने वाला स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तर प्रदेश कहलाया। तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई दंगे देखे, कई राजनेता देखे। राजनीति की बात करें तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स होल्ड करने की वजह से इसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को हर पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। पर आप सोच रहे होंगे कि आज हम यूपी की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब है फरवरी में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव शेड्यूल्ड है। ये इलेक्शन 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले हैं, जो कि 7 चरणों में होंगे। इन 7 चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को चुनाव होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन राजनेताओं को फिर से रिविजिट या कहें जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को संभाला। हाँ, शायद किसी ने कुछ गलतियां करी, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी किए, पर उत्तर प्रदेश का सीएम होना खुद में इस बात का प्रूफ है कि आपकी इम्पोर्टेंस इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कितनी ज्यादा है। तो आज हम ये जानेंगे कि भारत और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1950 से लेके आज के दिन तक कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप संभाली। गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी, चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, प्रेसिडेंट्स रूल, चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, प्रेसिडेंट्स रूल, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, प्रेसिडेंट्स रूल, हेमवती नंदन बहुगुना, प्रेसिडेंट्स रूल, नारायण दत्त तिवारी, प्रेसिडेंट्स रूल, राम नरेश यादव, बाबू बनारसी दास, प्रेसिडेंट्स रूल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, प्रेसिडेंट्स रूल, मुलायम सिंह यादव, मायावती, प्रेसिडेंट्स रूल, मायावती, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, प्रेसिडेंट्स रूल, मायावती, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ।